हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एनसीआर, एनसीआर क्या होता है और इससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एनसीआर, एनसीआर को ओपन कैसे करते हैं? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल और एन माइनस के आर फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट से वीडियो बना रखी है। फैक्टोरियल होता क्या है और इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप अगर देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आइए देखते हैं एनसीआर, एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 9C7 को सोल्व करते हैं, अगर मैं इसके साथ इसको कंपेयर करूँ तो एन की वैल्यू क्या है 9 और आर की वैल्यू क्या है 7। एन फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल और एन माइनस के आर फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों। ये बन गया 9 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को ओपन कर लिया, 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, ऐसे ही 2 फैक्टोरियल को ओपन कर, 7 से 7 कट गया, 2 चौके 8 और 9 चौके 36, ठीक है दोस्तों। तो 9C7 को ओपन किया तो मेरा आंसर क्या आ गया 36। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट। एक क्वेश्चन और लेते हैं, मैं इस फॉर्म यहाँ साइड में ले देता हूँ। एन सी आर इज इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल और एन माइनस के आर फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों। आइए अब एन सी आर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं और उससे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए दोस्तों, 4C0 इसको ओपन करके देखते हैं। 4 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल 4 माइनस 0 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एज इट इज 4 में 0 के 4 यहाँ आ गया तो 1 बाय, नीचे क्या बचा 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1। 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल दोनों की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ क्या 1, तो 1 बाय 1 1। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूँ 5C0 तो वो भी क्या आएगा 1। इसी रिजल्ट का यूज़ करते हो अगर मैं NC0 पूछूँ तो वो भी क्या आएगा 1। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट बना, वो क्या है NC0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है दोस्तों। आइए और प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 4C4 क्या है, 4C4 को ओपन कीजिए तो हम क्या करेंगे, 4 n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल और n माइनस के r फैक्टोरियल, ये क्या बन गया 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया तो 1 बाय 0 फैक्टोरियल यानी कि 1 बाय 1, तो ये भी क्या आ गया 1। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं 5C5 क्या है, वो भी 1 आएगा, 6C6 भी क्या आएगा 1, ऐसे ही NCN भी क्या आएगा 1, ठीक है दोस्तों। तो थर्ड रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया, NCN क्या होता है 1, ठीक है दोस्तों। और देखते अगर हम 4C1 इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करें क्या आएगा देखते हैं। 4 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये क्या बन गया 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 में से 3 4 में से बन गया 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू 3 फैक्टोरियल एज इट इज, 4 फैक्टोरियल को मैंने ओपन कर लिया 3 फैक्टोरियल तक, 1 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, इसके साथ ये कट गया तो आंसर क्या बन गया 1, ठीक है दोस्तों। सेम रिजल्ट का यूज करते अगर मैं पूछूं 5C1 तो वो क्या आएगा 5, अगर मैं आपसे पूछूं 100C1 वो भी क्या आएगा 100, ऐसे ही NC1 भी क्या आएगा मेरा N। यहाँ से एक और रिजल्ट बन गया मेरे पास, वो क्या है NC1 क्या होता है मेरे पास N होता है, यानी कि NC1 N ही आ जाता है, ठीक है दोस्तों। एक और रिजल्ट देखते हैं,
अगर मैं आपसे पूछूँ 4c3 क्या होगा, 4c3 को ओपन करते हैं, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, इसको ओपन करते हैं, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 में 3 गया 1 फैक्टोरियल, 4 को 3 फैक्टोरियल तक ओपन करना है, 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 होता है, इसके साथ ये कट गया तो ये क्या आ गया 4। ठीक है दोस्तों, यानी कि 4c3 क्या आ गया 4। अगर मैं आपसे पूछूं 5c4, 4c3 4 था तो 5c4 क्या आ जाएगा 5। अगर मैं पूछूं 100c99 तो ये क्या आएगा 100। सेम यही रिजल्ट अगर मैं पूछूं NCN-1 ये क्या आएगा N। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एक रिजल्ट बन गया मेरा NCN-1 भी N होता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट इसके बेस पे आपके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए NCR की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूँ NCA इज इक्वल टू NCB, NCA NCB के इक्वल कब होगा, क्या क्या कंडीशन है जब NCA इज इक्वल टू NCB के बराबर होगा। दो कंडीशंस होती हैं, पहली कंडीशन है या तो A इज इक्वल टू B के बराबर हो, ठीक है दोस्तों, और सेकंड कंडीशन है N इज इक्वल टू A प्लस B के बराबर हो। ठीक है दोस्तों, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ इस प्रॉपर्टी को 6, NCA इज इक्वल टू NCB, फर्स्ट कंडीशन है A इज इक्वल टू B के बराबर, और सेकंड कंडीशन है N इज इक्वल टू A प्लस B के बराबर। ठीक है दोस्तों, आइए इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया NC9 इज इक्वल टू NC8। ठीक है दोस्तों, और आपसे पूछ लेगा फाइंड N, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, 19, 18, 17 और 25। तो राइट आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा, तो मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। मुझे पता है NCA इज इक्वल टू NCB, अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ NCA इज इक्वल टू NCB। ठीक है दोस्तों, ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, या तो A इज इक्वल टू B के बराबर हो, यहाँ पे A क्या है 9 है और यहाँ पे B क्या है 8 है, ये बराबर नहीं है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। सेकंड कंडीशन क्या है, या N इज इक्वल टू किसके बराबर हो, A प्लस B के बराबर, तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग N क्या आ जाएगा मेरे पास 9 प्लस 8, तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 17, तो 17 क्या है सी मेरा क्या आएगा राइट आंसर। और देखते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे 25 आ गया और यहाँ पे 27 आ गया, फाइंड N, तो सिंपली N क्या है 25 प्लस में 27 इज इक्वल टू 52। तो सिंपली आप इस तरह से इजली ये क्वेश्चन कर सकते हो इस प्रॉपर्टी के बेस पे। आइए एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी NCR से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू होता है N+1 CR। ठीक है दोस्तों, ये दोनों इसके बराबर होते हैं, मैं साइड में लिख देता हूँ फिर क्वेश्चन करते हैं। सेलेक्टेड NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1 CR इसके बराबर होता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं एक। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 7C5 प्लस में 7C4 इज इक्वल टू किसके बराबर है, तो आप कैसे करेंगे, एक मेथड तो यह है आप इसको सोल्व करें और इसको सोल्व करें, दोनों को प्लस कर दें। आइए देखते हैं करके, इसको सोल्व करेंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, ये क्या बन गया 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल, और 2 को ओपन कर लिया यहाँ पे प्लस, ऐसे ही
सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फोर फैक्टोरियल और थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करते हैं। इसके साथ ये कट गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फोर फैक्टोरियल है, इसके साथ यहाँ कट गए, दो तीन छः यहाँ पे क्या बचेगा 21 प्लस में तीन दूनी छः यहाँ पे क्या बचेगा 35, तो इसको सोल्व करके क्या है 56। एक मेथड तो यह अभी इसका आंसर क्या आ जाएगा 56। इस प्रॉपर्टी के द्वारा करके देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये सेटिस्फाई करिए इस प्रॉपर्टी को, एन की वैल्यू क्या 7, एन सी आर और एन सी आर माइनस के वन, आर माइनस के वन यानी कि 4 है यहाँ पे, इजिक्वल टू इसके बराबर होता है एन प्लस वन सी आर, यानी कि इसमें एक प्लस हो जाएगा, 7 में एक प्लस हो जाएगा और आर की वैल्यू क्या 5, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या रहेगा 8c5, ठीक है दोस्तों। 8c5 को सोल्व करके देखते हैं, 8 फैक्टोरियल ओवर में 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, सॉरी 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, इसके साथ ये कट गया 3 दूनी 6 और 7 56, तो 56, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे आप क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, वही पहला सिंपल मेथड है, आप इसको अलग से सोल्व करें, इसको अलग से सोल्व करें, वो लंबा हो जाएगा थोड़ा। अगर आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो ये सिंपली आपको ये सोल्व करने के बजाय आप क्या सोल्व करोगे, इसमें एक प्लस करना है 60 + 1 c 57, यानी कि 61 c 57, इसको सोल्व करके जो आंसर आ जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम में एनसीआर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2nc3 डिवाइड बाय में nc2 इज इक्वल टू 12/1 है, ठीक है दोस्तों, आपसे n की वैल्यू पूछ ली जाएगी, फाइंड n, और चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे a b c और d, 4 5 2 9, तो राइट आंसर क्या है। एक मेथड तो आप ट्रेडिशनल मेथड है, आप इसको सोल्व करें और एन की वैल्यू फाइंड आउट करें। दूसरा मेथड क्या है, आप इसमें जो ऑप्शन है वो पुट करके देखें कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आइए देखते हैं, पहले एन की जगह पे 4 पुट करके देखते हैं, अगर 4 पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर नहीं है तो एक है रॉन्ग आंसर है, फिर बी ट्राई करेंगे। पहले ट्राई करते हैं, एन की जगह पे 4 4 2 8, तो 8c3 डिवाइड बाय 4c2, अगर इसको सोल्व करने पर 12/2 आया तो मेरा क्या है राइट आंसर है ए, तो इसको सोल्व करेंगे 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ऐसे 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या गया 8 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, घूम के ऊपर चला गया ऐसे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, इसको सोल्व करते हैं थोड़ा, 8 फैक्टोरियल को 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में 5 फैक्टोरियल एज इट इज, 3 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल तक ओपन करते हैं ताकि इसके साथ मैं काट दूंगा, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों, इसके साथ ये कट गया, इसके साथ ये कैंसिल आउट हो गया और इसके साथ ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा 3 दूनी 6 4 दूनी 8, तो मेरा क्या बचा 7 2 14 14 28 28/3, पर राइट हैंड साइड में क्या 12/1, तो ये क्या इक्वल नहीं आया तो मेरा एक है रॉन्ग आंसर, ठीक है दोस्तों। बी ट्राई करते हैं, ठीक है 5 5 दूनी 10, तो 10c3 डिवाइड बाय में 5c2, ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं 10c3 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल बाय में 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, मैंने इन दोनों को ओपन कर दिया। फिर उसके बाद थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, 10 फैक्टोरियल
थ्री फैक्टोरियल, सेवन फैक्टोरियल, ये घूम के ऊपर चला गया ऐसे, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, बाय में फाइव फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं, टेन को सेवन तक ओपन कर लेते हैं, टेन मल्टीप्लाई नाइन मल्टीप्लाई एट मल्टीप्लाई सेवन फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गए दोनों, डिवाइड बाय के सेवन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल को टू तक ओपन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ये कट गया, इसके साथ ये कट गया। ठीक है दोस्तों, पाँच दूनी दस, दो दूनी चार, तीन तीन नौ और दो चौके आठ, तो यहाँ के यहाँ पे क्या बचा, चार तीन बारह और नीचे क्या बचा एक, तो ट्वेल्व बाय वन, और ट्वेल्व बाय वन में राइट हैंड साइड भी क्या थी, ट्वेल्व बाय वन, तो एक वाला आ गया, यानी कि b इक्वल टू फाइव, एन की वैल्यू क्या फाइव, इसको सेटिस्फाई करिए तो n इज इक्वल टू फाइव, तो b क्या आ गया मेरा राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 4p2 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 4c2, फाइंड n, फाइंड n। ठीक है दोस्तों, और चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, दो तीन चार पाँच, तो कैसे करेंगे, वही ऑप्शन के द्वारा करके देखते हैं। पहले n की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं। अब ये 4p2 क्या होता है, जैसे NCR का फार्मूला ये होता है, ऐसे ही एक NPR होता है, NPR इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। NPR ये फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं, ए ट्राई करते हैं, यानी कि n की जगह पे यहाँ चार पुट करके देखते हैं। 4p2 को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, n की जगह पे चार पुट करते हैं, और 4c2 को ओपन करते हैं। ठीक है दोस्तों, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों के आनी चाहिए इक्वल आनी चाहिए, दो, चार फैक्टोरियल दो फैक्टोरियल, चार फैक्टोरियल दो फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, दो फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये दो फैक्टोरियल इसके साथ कट गया, चार फैक्टोरियल इसके साथ कट गया और दो इसके साथ कट गया, यानी कि वन इज इक्वल टू वन। ठीक है दोस्तों, यानी कि n की वैल्यू 2 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड मेरी किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, यानी कि n इज इक्वल टू क्या मेरा 2, यानी कि एक है मेरा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है NPR इज इक्वल टू 1320, NCR इज इक्वल टू 3220, फाइंड एंड एन आर, फाइंड एन एंड आर, चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है एन इज इक्वल टू 12, आर इज इक्वल टू 3, सेकेंड है एन इज इक्वल टू 11, आर इज इक्वल टू 2, थर्ड एन इज इक्वल टू 10, आर इज इक्वल टू 2, और एन इज इक्वल टू 13, आर इज इक्वल टू 2, तो राइट आंसर क्या है, आइए देखते हैं। हम ऑप्शन से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को करने के, पहले ए ट्राई करते हैं, एन की वैल्यू क्या 12 और 13, आप सिर्फ एक ही चेक कर लीजिए, इसमें ट्राई करके देखें एन और आर की वैल्यू पुट करने पर अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो ये मेरा क्या राइट आंसर आ जाएगा। जैसे इसको देखते हैं, एन की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 12p3, और NPR का फार्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये आ गया 12 फैक्टोरियल, 12 में 3 के 9 फैक्टोरियल, इसको ओपन किया 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 बाय 9 फैक्टोरियल, बाय में क्या है 9 फैक्टोरियल, इसके साथ ये कट गया। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ मल्टीप्लाई की क्या है, और मल्टीप्लाई 0 1320, तो 1320 क्या आ गया मेरा राइट आंसर, यानी कि एन की वैल्यू 12 और आर की वैल्यू 3 इसको सेटिस्फाई करे। आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर इसको चेक करोगे तो ये भी क्या आएगा बराबर आएगा, तो ऐसे ए क्या आ गया इसका राइट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में NCR से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।